أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एंग्लो उर्दू हाई स्कूल उर्दू मीडियम से जमात नौ मज़मून अरबी सबक नंबर चार जिसका नाम है कबीरुल वुज़राई लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज तारीख है 21 ग्यारहवा महीना साल 2020। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबक का नाम है कबीरुल वुज़रा, इसका माना होगा वज़ीर आला, गुजराती में कहेंगे मुख्यमंत्री। तो इस सबक के अंदर कुछ दोस्तों ने अपना किस्सा और छोटा सा अपने हालात और अपना वक्त कैसे गुज़रा, उनका छुट्टी का दिन कैसे गुज़ारा उन्होंने और उसमें उन्होंने क्या क्या देखा वो बताया गया है। हम पहले इबारत एक पैराग्राफ समझेंगे पढ़ेंगे, उसके बाद उसका तर्जमा समझेंगे, फिर दूसरा पैराग्राफ और फिर उसका तर्जमा। ये स्क्रीन पर मौजूद है, ये पूरा हमारा सबक है। पहला पैराग्राफ है और दूसरा पैराग्राफ है। हम पहले पैराग्राफ की इबारत को समझ लेंगे और उसके बाद उसका तर्जमा समझेंगे। नाम है कबीरुल वज़राई यख्तुबुल क़ौम, माना होगा वज़ीर आला का, वज़ीर आला लोगों से ख़िताब करते हैं। इबारत है फ़ी यौमिल उतलती अना व अस्दिक़ाई ज़हबना इला नाहियतिन मिन नवाही अहमदाबाद लिनक़्ज़िया औक़ातना फ़रीहीना मसरूरीना फ़वसलना इला सी जी रऊद वजदना हुनाक ज़िहामन शदीदन व शुरततन कसीरत इन्नहुम युकिफून सय्याराती वल हाफिलाती व अजलाती दर्राजाती व युफत्तिशून फजाअ वाहिदुम मिन उलाइक शुरतती इला सय्यारतिना व दखल فحمل الحقائب المختلفة للمسافرين ونظر فيها ثم أجاز السائق بهذا المنظر دهشنا ويسأل بعضنا بعضا عن الزهام والتفتيش للشرطة فسمع تساولنا المسافر الذي يقعد عندنا فأجاب ألا تعلمون أن كبير للوزراء يقدم وهو يخطب القوم لذلك يفتش وتكنس الشوارع। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये हमारी इबारत हुई, अब इसका हम तर्जमा पढ़ते हैं। स्क्रीन पर तर्जमा मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छुट्टी के दिन मैं और मेरे दोस्त अहमदाबाद के अतराफ में गए ताकि हम अपना वक्त खुशी और मसर्रत से गुजारें। जब हम सीजी रोड पहुँचे तो वहाँ हमने बहुत से लोगों को और बहुत सी पुलिस को देखा। पुलिस वाले कारों, बसों और मोटरसाइकिल वालों को रोकते थे और उनकी तफ्तीश करते थे। एक पुलिस वाला हमारी कार के पास आया और कार में दाखिल हुआ।
और मुसाफिरों के अलग अलग बैग उठाए और उनमें देखा, यानि उसकी तपास की, जांच की। फिर ड्राइवर को इजाज़त दी, यानि ड्राइवर से यूँ कहा कि आप जाइए, जा सकते हैं। हम इस मंज़र से बहुत परेशान हुए। ज़ाहिर सी बात है, जब रास्ते में हम कहीं जा रहे हो और दरमियान में पुलिस हमें रोक लेती है तो हम फौरन परेशान हो जाते हैं कि न जाने अब कौन सा सितम होगा। और आपस में एक दूसरे से लोगों की भीड़ और पुलिस की तफ्तीश के बारे में पूछने लगे। हमारी बातचीत को एक मुसाफिर ने सुना जो हमारे करीब बैठा था। उसने जवाब दिया, क्या आपको नहीं मालूम, आज हमारे वज़ीर आला आएंगे और लोगों से खिताब करेंगे, इसलिए तफ्तीश और सड़कें साफ़ हो रही है। ये हमारा पहला पैराग्राफ था अरबी में, उसका तर्जमा ये हमारा मुकम्मल हुआ। अब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसका तर्जमा सीखेंगे। दूसरा पैराग्राफ इस तरह है, فَعَزَمْنَا أَيْضًا عَلَى الْحُضُورِ فِي هَذَا الْإِحْتِفَالِ الْعَظِيمِ وَنَزَلْنَا عِنْدَ الْمَحَطَّةِ الْآيَاتِيَةِ وَشَهِدْنَا هَذِهِ الْحَفْلَةَ التَّارِيخِيَّةَ فَإِذَا كَبِيرُنَا لِلْوُزَرَاءِ يَنْصَحُ قَوْمَهُ وَيَحُثُّهُمْ عَلَى الْجُهْدِ الأكيد للوطن والوفاء بالبلاد والتحلي بالأوصاف الحميدة والمؤاساة بالضعفاء وأعلن في آخر خطابه فقال يبنى المستشفى الكبير للمرضى العاجزين وتنشأ الجوامع المختلفة للتعليم عالي في الولاية وتفتح الشوارع الواسعة على نطاق واسع وتجعل أحمدآباد ميغاسيتي وعلمنا سمع القوم هذا الإعلانات من الرئيس الكبير سوتوا بصوت زنداباد وهتف النعرات الفاخرة للولاية وكبيرها للوزراء ولم يمكن للكبير أن يسلسل الكلام فتم الحفل على هذه الإعلانات ورجعنا قبل المساء وعزمنا على أن نكون خادمين محبين ويوفينا بالوطن والبلاد। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये दूसरे पैराग्राफ की भी इबारत हुई, अब इसका हम तर्जमा आपके सामने पेश करते हैं। ये दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है ये पहली लाइन से, फिर हमने इरादा किया कि हम इस इज्तिमा में हाज़िर होंगे। हम अगले स्टेशन पर उतर गए और हमने ये तारीख़ी इज्तिमा देखा। जब वज़ीर आला तशरीफ़ लाए तो उन्होंने लोगों को नसीहत की और मुल्क के लिए जद्दोजहद करने की बात कही और मुल्क से वफादारी की बात की और अपने आप को अच्छी आदतों से मुज़य्यन करने की नसीहत की और ज़ईफ़ों के साथ हमदर्दी करने को कहा और कहा एक बड़ा अस्पताल मरीज़ों के लिए बनाया जाएगा और सूबे में अलग अलग तालीम के लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएगी। सूबा यानि गुजरात, स्टेट, राज्य, राज्य को उर्दू में सूबा कहते हैं। और बड़े पैमाने पर कुशादा रास्ते बनाए जाएंगे और अहमदाबाद को मेगा सिटी बनाया जाएगा। जब लोगों ने वज़ीर आला की ज़बान से ये बात सुनी तो लोगों ने शोर मचाया, जिंदाबाद, यानि लोगों ने नारे लगाए जिंदाबाद के, और अपने सूबे और वज़ीर आला के लिए फ़ख्रिया
नारे लगाए, यानि फ़ख्रिया नारे से मुराद है यहाँ पर कि उनकी तारीफ़ में नारे लगाए, और नारे इतने तेज़ थे कि वज़ीरे आला के लिए बात करना नामुमकिन हो गया, यानि इतना शोर बरपा हो गया कि वज़ीरे आला के लिए बावजूद माइक होने के भी उनसे बात करना उनके लिए क्या हो गया, मुहाल हो गया। फिर इन ऐलानात पर वज़ीरे आला ने अपनी बात मुकम्मल की और हम शाम से पहले लौट आए, और हमने इरादा किया कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करेंगे और इसकी खिदमत करेंगे। ये दूसरा पैराग्राफ भी यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब आप इसे इबारत पढ़ लें, समझ लें उसे, और इस तर्जमे को बेआईन ही लिख लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।